जय श्री राम। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अगस्त में हरियाली अमावस्या कब है और पूजा का, स्नान दान का, पितृ तर्पण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो चलिए जानते हैं। हरियाली अमावस्या सावन माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। हरियाली अमावस्या पर भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन विवाहित महिलाओं को माता पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए, साथ ही उन्हें सुहाग की सामग्री भी अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। श्रावणी अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए पिंडदान करने का भी विशेष खासा महत्व है। इस अमावस्या को हरियाली तीज से 3 दिन पहले मनाया जाता है। इस साल हरियाली अमावस्या के दिन 4 शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसकी वजह से अब की बार की श्रावण अमावस्या विशेष फलदायी मानी जा रही है। वैसे हरियाली अमावस्या का इंतज़ार पूरे वर्ष सबको रहता है, क्योंकि पौधों को लगाने के लिए ये सबसे उत्तम समय माना जाता है। हिंदू परंपराओं में पेड़ पौधों को भगवान के रूप में भी दर्शाया गया है और लोग हरियाली अमावस्या के दिन उनकी पूजा भी करते हैं। कुछ जगहों पर इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने की भी प्रथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पीपल के पेड़ पर 3 देवताओं त्रिदेवों का वास माना जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इस समय बारिश के कारण धरती पर चारों ओर हरियाली छाई रहती है और प्रकृति की सुंदरता देखते ही बनती है। इस वजह से सावन की अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। सावन अमावस्या के दिन तीर्थ स्थल पर गंगा, नर्मदा या किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अमावस्या के दिन घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से रोग दोष खत्म होते हैं, अमृत की प्राप्ति होती है। तो चलिए कि अब जानते हैं कि इस साल 2024 में हरियाली अमावस्या किस दिन की है। हरियाली अमावस्या पर कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। हरियाली अमावस्या पर स्नान और दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। हरियाली अमावस्या कब है। कैलेंडर के अनुसार इस साल सावन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 3 अगस्त शनिवार को दोपहर 3:50 से शुरू होगी। इस तिथि का समापन 4 अगस्त रविवार के दिन शाम को 4:42 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के आधार पर देखा जाए तो इस बार हरियाली अमावस्या 4 अगस्त रविवार के दिन मनाई जाएगी। हरियाली अमावस्या पर अनाज, कपड़े, फल आदि का दान करना शुभ माना गया है। आप मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद गरीबों को भी दान कर सकते हैं। 4 शुभ संयोगों में मनाई जाएगी हरियाली अमावस्या 2024। इस बार की हरियाली अमावस्या 4 शुभ संयोगों में मनाई जाएगी। हरियाली अमावस्या के दिन सिद्धि योग, रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। श्रावण अमावस्या पर सिद्धि योग प्रातःकाल से लेके सुबह 10:38 तक रहेगा। उस दिन रवि पुष्य योग सुबह 5:44 से दोपहर के 1:26 तक रहेगा। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग भी सुबह 5:44 से दोपहर 1:26 तक रहेगा। पुष्य नक्षत्र प्रातःकाल से लेके दोपहर 1:26 तक रहेगा। उसके बाद से अश्लेषा नक्षत्र है। हरियाली अमावस्या 2024 पर पूजा के लिए, स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त जानते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:20 से लेकर 5:02 तक है। वही अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:54 तक है। हरियाली अमावस्या पर सूर्य उदय 5:44 पर होगा। उस समय से दोपहर 1:26 तक शुभ समय रहेगा। आप इस समय में कभी भी श्रावण अमावस्या का स्नान और दान, पितरों का तर्पण कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि इस दिन
पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए क्या क्या उपाय, क्या क्या कार्य कर सकते हैं। सावन अमावस्या पर पीपल और तुलसी की पूजा खास मानी गई है। पीपल के वृक्ष में त्रिदेव अर्थात भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का वास माना गया है। सावन अमावस्या पर पीपल के पेड़ में दूध अर्पित करें और 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से पितृदेव अति प्रसन्न होते हैं और हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन अमावस्या पर शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। 108 बार उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए जला अभिषेक करें। इससे शिव शक्ति दोनों के आशीर्वाद से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन अमावस्या पर मंदिर में पीपल, बरगद या फिर घर में बेलपत्र, तुलसी, आंवले का वृक्ष जरूर लगाएं। इससे नौकरी में तरक्की और धन में वृद्धि के योग बनते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ पूजा करें। दूध में काले तिल को मिलाकर रुद्राभिषेक करें। इसके साथ ही 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और जीवन में खुशहाली आती है। इस दिन किसी नदी या फिर तालाब में जाकर मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं। आटे की गोलियां खिलाने से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन घर के आसपास या किसी पार्क में जाके चींटियों को सूखे आटे में चीनी मिलाकर और उसे हल्का सा भूनकर खिलाने से सभी तरह के संकट दूर होते हैं। इस दिन सभी तरह की अलाबला या ऊपरी बाधाओं से मुक्ति हेतु हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। इस दिन आटे के दीपक को जलाकर नदी में प्रवाहित करने से पितृदेव और माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और हमें पितृदेवों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन शनि देव जी के मंदिर में विधि अनुसार दीपक जलाने से वे प्रसन्न होते हैं और शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। इस हरियाली अमावस्या के दिन श्री विष्णु के मंत्रों का जाप और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। इससे जीवन की सभी तरह की समस्याओं के अंत हो जाते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु भगवान शिव को सफ़ेद आंकड़े के फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि चढ़ाएं। इस दिन भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। शिव जी के आशीर्वाद से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्रावणी हरियाली अमावस्या के दिन भूलकर भी कुछ ऐसे कार्य या गलतियां होती हैं जिनको नहीं करना चाहिए। चलिए उनके बारे में जानते हैं। अमावस्या के दिन कुत्ता, गाय और कौवे को कष्ट नहीं देना चाहिए। इस दिन इन जीवों को पितरों का अंश मानकर खाना खिलाया जाता है, इसीलिए इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अमावस्या के दिन पितृपिंडदान, तर्पण और दान पुण्य और श्राद्ध का इंतजार करते हैं, इसलिए इस दिन ये सब कार्य जरूर करने चाहिए। इनको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। अगर इन कामों को करना भूल जाते हैं तो पितर नाराज होकर श्राप देते हैं। अमावस्या के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ किया जाता है, इसीलिए इस दिन भूलकर भी पितरों को बुरा भला या घर में किसी बड़े बुजुर्ग को बुरा भला नहीं कहना चाहिए और उनका तर्पण करना भी नहीं भूलना चाहिए। अमावस्या के दिन की गई पूजा पाठ का शुभ फल मिले, इसके लिए पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नियम ना मानने से पूजा का शुभ फल नहीं प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन तामसिक चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। मांस, मदिरा आदि इन चीज़ों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, तभी इस दिन की गई पूजा का अच्छा फल मिलता है। तो इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अमावस्या के दिन घर की साफ सफाई पर खास ध्यान देना चाहिए। घर या आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि इस दिन हमारे पितृदेव भोजन ग्रहण करने के लिए हमारे घर आते हैं, तो आपने आसपास सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, तभी पूजा शुभ फलदायी होती है। अमावस्या के दिन किसी से भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए,
ना ही लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। इस दिन किसी का भी दिल दुखाने से बचना चाहिए। अमावस्या के दिन किसी दूसरे के घर भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन दूसरे का अन्न खाने से संचित पुण्य या जो भी आपने पुण्य कर्म कमाए हैं उनका क्षय होता है, उनमें कमी आती है। अमावस्या के दिन प्रेत आत्माएं या फिर नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय होने के कारण इस दिन हर व्यक्ति को बुरे कार्यों तथा नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो नकारात्मक शक्तियां हमारे ऊपर हावी होने के अधिक चांसेस रहते हैं। अमावस्या के दिन बालों को भूलकर भी नहीं धोना चाहिए और ना ही कटवाना चाहिए। इस दिन सिर धोना अशुभ माना जाता है तथा इससे जीवन में बाधाओं का आगमन होता है। श्रावण अमावस्या के दिन पेड़ पौधों से फूल पत्ते तिनके आदि नहीं तोड़ने चाहिए, इससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अमावस्या के दिन तिल का तेल खाना और लगाना निषिद्ध होता है। अमावस्या के दिन पानी में खड़ा नमक डालकर घर में पोछा जरूर लगाना चाहिए, इससे अपने घर की नकारात्मक शक्तियां नेगेटिविटी चली जाएगी और खड़ा नमक के स्थान पर गोझरण अर्क भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दूसरों को भी साझा करें, शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही धार्मिक सनातन धर्म से जुड़ी वीडियोस, जानकारियाँ वृत्त त्योहारों के बारे में सारी संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम।